गले का क्रॉस निकलते ही उसके पंख उग जाते हैं। अच्छा। और वो हवा में उड़ने लग जाता है, तभी पहले उसके पंख में और फिर पूरे शरीर में आग लग जाती है। अच्छा। और आग से जलकर वो एक राक्षस में तब्दील हो जाता है। ठीक है। तभी उसके सामने खड़ा आदमी उस पर गोलियां चलाने लग जाता है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। ठीक है, समझ गया। अब राक्षस उस आदमी के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका था। वो आदमी अपने घुटनों पे बैठ जाता है और अचानक एक नुकीली चीज लेकर उसके पेट पे वार करता है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या बात है भैया, ये इंग्लिश मूवीज एक्सप्लेन करने वालों की तो बात ही कुछ और है। अगर ये ना होते तो हमें पता ही नहीं होता मूवी में हो क्या रहा है। बात तो सही है। वाह भाई वाह, बस किसी भी इंग्लिश मूवी का सीन काट लो और उसके बीच अपनी बकायद भर दो। जिसने मूवी देखी वो तुम्हारी बकायद स्किप कर देगा, और जिस बेचारे ने नहीं देखी उसको क्या पता क्या हुआ था। कुछ भी झूठ सच बता दो और व्यूज ले लो बेटा। जिस दिन इंग्लिश मूवी का डायरेक्टर को पता चल गया ना कि तुम उसकी मूवी की मदर सिस्टर एक कर रहे हो, जमतारा से सीधा तिहाड़ ले जाएंगे बग्गी में बिठा के। कॉपीराइट का अलग पे लेंगे और बीसी करने के अलग कोड़े पड़ेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गाइस एक सेकंड रुको, मोटू इन लोगों को कुछ कहना चाह रहा है। हाँ भाई मोटू, क्या कहना चाह रहा है? अरे भाई 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 भाई, जनता माफ नहीं करेगी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया।